वो पूछता है कि जब उर्दू बोलते हैं तो हम हजरत मसीह ऊंट को हजरत कहते हैं या किसी और ऐसे पर्सनालिटी को हजरत कहते हैं, लेकिन ना इंग्लिश में इसके लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और ना जर्मन में, जो हजरत जो लफ्ज़ है वो किसी ज़ुबान में भी हम ट्रांसलेट नहीं करते हैं। क्या कि ऐसा कोई लफ्ज़ उन ज़ुबानों में नहीं है जो उस लफ्ज़ के बराबर आ जाती हैं? हजरत का तर्जमा जर्मन ज़ुबान में तो आप बता सकते हैं, मुझे तो इल्म नहीं, मगर हजरत और आ हजरत ये दो लफ्ज़ हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आ हजरत कहते हैं, वो हजरत यानी उनकी शान इतनी बुलंद है कि वो हमारे सामने नहीं, मुझसे बहुत ऊंचे हैं हमसे, और बाकी सब बुजुर्गों के लिए हजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मेरे जर्मन का तर्जमा आप बताएं, है कोई है तो इंग्लिश में अगर कहते हैं कि ऑनरेबल, ऐसा कोई लफ्ज़ है ऑनरेबल इंग्लिश में जो ऑनरेबल कहते हैं? योर ऑनर, योर ऑनर कह देते हैं, इज ऑनर जी, इज होलीनेस जी, हजरत की बजाय होलीनेस कहते हैं। हजरत का लफ्ज़ जो है वो जुमानी भी है, इज्जत के लिए भी बोला जाता है, और किसी शख्स को बुरा कहने के खातिर भी हजरत कहते हैं कि वो बड़ा हजरत है, मतलब बड़ा चलाक आदमी है, उसका एतबार कोई नहीं है, तो कहते हैं बड़ा हजरत है। इसलिए हजरत का लफ्ज़ दो मानों में आता है, इज्जत के मानों में भी और बुराई के मानों में भी।